वैसे तो करोड़ों रुपए स्कूल के लिए खर्च किए जाते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन आज भी मथुरा में ऐसे स्कूल हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर है। यहाँ पढ़ने में स्कूली बच्चों को डर लगता है और डर के साए में यह बच्चे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए सरकारी विद्यालयों पर खर्च करती है, लेकिन इन सरकारी विद्यालयों पर खर्च किए गए पैसों का ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा है। थाना महावन क्षेत्र के हबीपुर गांव में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थिति आज भी बद से बदतर है और यह बच्चे डर के साए में हिल कर पढ़ते हैं। छतों का प्लास्टर गिर चुका है और यही कारण है कि यह बच्चे पढ़ने आ तो जाते हैं, लेकिन यह सोचकर आते हैं कि वह वापस घर लौट पाएंगे या नहीं। स्कूल में पढ़ने वाली आरती, प्रेम यादव, अंजलि यादव और निशा ने बताया कि हम लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, क्योंकि कभी भी छत का प्लास्टर टूट कर गिर सकता है और कई बार ऐसा हो चुका है और उस समय कई बच्चों को चोट भी आई थी। बारिश आ जाती है तो स्कूल की छत से पानी टपकता है और स्कूल की जो क्लास है उसमें पानी भर जाता है। हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और बच्चों की गुहार है कि जल्द ही स्कूल की मरम्मत करा दी जाए तो अच्छा है, नहीं तो वन दिन ऐसा होगा कि स्कूल बंद हो जाएगा। स्कूल में से छात्र भी डर की वजह से कम होते जा रहे हैं। वही स्कूल टीचर निशा का भी यही कहना है कि स्कूल की स्थिति बहुत खराब है और हमें बच्चों को पढ़ाने में डर लगता है। अच्छा, आप क्या पढ़ाती हैं? जी, वैसे मैं यहाँ पर आर्ट अनुदेशक हूँ कला की, और सब बच्चों को यहाँ पर कला से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं कराती हूँ, एक्टिविटीज वगैरह। स्थिति कैसी है विद्यालय? इस विद्यालय की स्थिति बहुत जर्जर है। प्रेयर करते टाइम हमारे यहाँ की दीवारें भी गिर जाती हैं, मतलब बच्चे अगर लाइन में लगे होते तो हमें बहुत डर लगता है कि कहीं ये बिल्डिंग ना गिर जाए। यहाँ पर बहुत ही स्थिति खराब है। वहाँ से एक पिलर भी वहाँ से निकला हुआ है, छत बराबर गिर रही है। बिल्डिंग पूरी इतनी जर्जर अवस्था में है, सारी दीवारों से जो है मतलब प्लास्टर भी हट चुका है, उनमें दरारें पड़ चुकी हैं, ऊपर से छत भी गिरती है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। बारिश के समय में कभी भी कहीं से भी दीवारें गिर सकती हैं। शिकायत की कभी आपने? जी, यहाँ बराबर एप्लीकेशन लगाई है हमारे स्कूल से, बराबर एप्लीकेशन लग रही हैं पिछले एक साल से। उसका रिकॉर्ड भी है, रिसीविंग भी है। कोई सुनवाई नहीं है अभी तक? अभी तक का कोई सुनवाई नहीं हुई। कई दीवार भी फट गई है, बीच में से लेंटर भी चटका हुआ। जी जी जी, दीवारें भी फट चुकी हैं। इवन दो कमरों की दीवारें तो हम लोग फिर से मतलब रिपेयर करा चुके हैं उनको, लेकिन बराबर उनमें से मतलब चूना जो है बार बार झड़ता है और दीवारें एक तरीके से फट चुकी है।